गर्म पानी है भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फोर सीजन व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वर्वन सीरीज के पिछले पार्ट में हम मुंगली से गुरवास गए थे, जहां हम ट्रैकिंग करते हुए गए थे। अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके बाद हम वापस मुंगली की तरफ ट्रैकिंग करते हुए गए, क्योंकि मुंगली पहुँच के हमें मरवा की तरफ जाना था, जहाँ हमें तत्ता पानी एक्सप्लोर करना था। तो आज के वीडियो में हम आपको तत्ता पानी दिखाएंगे, वीडियो में बने रहे। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का सफ़र शुरू करते हैं। सो फाइनली हम वापस मुंगली पहुँच गए हैं। अभी हम यहाँ से इंशन की तरफ जाएंगे, वहाँ पर लंच करेंगे, उसके बाद मरवा की तरफ जाएंगे। सो फाइनली हमने यहाँ पे लंच किया। अभी हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे, आगे से हमें राइट जाना होगा, जहाँ से हम मरवा की तरफ जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आप जब भी यहाँ पर आए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट से वर्वन जाते हैं और राइट से मरवा। अभी हम मरवा की तरफ जा रहे हैं तो हमें यहाँ राइट से निकलना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारा सफ़र करने के बाद हम इस गांव में पहुंचे हैं, जिसे यहां के लोग आस्थान गांव कहते हैं। अभी हमें यहां से भी बहुत चलना है। दोस्तों, वर्वन सीरीज़ के पूरे सफ़र में मुझे ये अभी सबसे पहला मार्केट दिखा है, जो अच्छा खासा है, जहां पे कुछ ले सकते हैं हम। यहां पर हमें एक और ब्रिज देखने को मिला है।
ये एक और गांव है आस्तान गांव के पास ही मिलेगा ये आपको। इसे यहाँ के लोग युर्दू कहते हैं। दोस्तों ये जो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करने पर जो मरवा के गांव हैं आप वहाँ एंटर हो जाएंगे। बट अभी के लिए हमें सीधे जाना है। ये जो आप कच्चा रोड देख रहे हैं यही तत्तापानी को जाता है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपनी बाइक रखेंगे, उसके बाद यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए जाना है फिर से। यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है, तब जाके हम तत्तापानी पहुँचेंगे। पिछले आधे घंटे से मैं चल रहा हूँ। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये आपको दिख रहे हैं ये मकान जैसे, ये यहाँ के होटल्स हैं। आपको अगर नाइट स्टे करना है तो यही होटल्स में से आपको कोई एक बुक करना पड़ेगा। पहले अभी के लिए हम नहा के आएंगे। अभी हम जा रहे हैं तत्तापानी देखने, जहाँ पे हम पहले नहाएंगे, उसके बाद वापस होटल में आके थोड़ा रेस्ट करेंगे। यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप चाय पी सकते हैं। यहाँ की फेमस नून चाय, जो कश्मीरी में नून चाय जिसे बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये दरिया चनाब है, जो तत्तापानी के साइड में ही है। गर्म पानी है भाई।
ये एकदम गर्म पानी, इट्स लाइक मेडिटेशन। चल भाई, तो ये है तत्ता पानी। सो फाइनली हमने नहा लिया है, अभी हम वापस जा रहे हैं ये होटल्स की तरफ, जहाँ पे हम कोई एक रूम बुक करेंगे, वहीं पे हम नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद अगले दिन की तैयारी करेंगे। अभी तक के लिए चलो ये रूम देखते हैं। मेरा दोस्त इस जो यहाँ का ओनर है, अभी उसके पास जा रहा है, वहाँ पे उसको वो रेंट डिसाइड करेंगे। तो हमने अभी रूम ले लिया है, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखेंगे कैसा रूम है हमारा। ये हमारा रूम है ना, अच्छा भी नहीं है पर चलेगा, रात काटने के लिए काफ़ी है। फाइनली ऑल सेट। ये इधर का विंडो व्यू, इधर से बस पहाड़ दिखता है। तो अभी तक हमने दो बार नहा के खाना भी खा लिया है, अब चलते हैं रूम की तरफ, थोड़ा आराम करेंगे। ये हमने सॉक्स धोने के लिए रखे, शूज भी ये पूरे खराब हो चुके थे। तो दोस्तों अभी हम वापस अपने रूम में आ चुके हैं, अब हम रेस्ट करेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे दूसरी जगह की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं वारवन सीरीज़ के अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।